नमस्कार दोस्तों, मैं जय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी हेल्प डेस्क पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे थे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टॉप 100 को हम लेकर चले थे। फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस इन इंडिया जनरली यूज, कि भारत के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है वो जनरली यूज होती है किस पर। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा आपका, RCC पोल्स पर। सेकंड है यानी 52 है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर इंसुलेशन इन हाई वोल्टेज केबल इज, कि हाई वोल्टेज केबल्स के लिए जो इंसुलेशन मटेरियल यूज होता है वो कौन सा होता है। तो वो पेपर होता है दोस्तों, कौन सा होता है, पेपर। क्वेश्चन नंबर 53 है, द लोड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर जनरली, कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर कौन सा लोड होता है, बैलेंस होता है या अनबैलेंस होता है। तो आपका अनबैलेंस लोड होता है। क्वेश्चन नंबर 54, द पावर फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोड इज जनरली, कि इंडस्ट्रियल लोड पर जो पावर फैक्टर होता है वो कौन सा होता है, लैगिंग होता है, लीडिंग होता है या यूनिटी होता है। तो वो दोस्तों लैगिंग होता है, इंडस्ट्री लोड पर पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओवरहेड लाइंस जनरली यूज, कौन सा जो कंडक्टर है वो यूज़ करती है, यूज़ होता है ओवरहेड लाइन के अंदर। तो ओवरहेड लाइन के अंदर एल्यूमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसमिशन लाइन द क्रॉस आर्म्स आर मेड ऑफ, कि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर क्रॉस आर्म जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, किस धातु के बने होते हैं। तो वो स्टील के बने होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, द मटेरियल जनरली यूज्ड फॉर आर्मर ऑफ हाई वोल्टेज केबल्स इज, हाई वोल्टेज केबल जो अपनी होती है उसके अंदर जो आर्मर होता है उसका जो मटेरियल होता है वो कौन से मेटल का बना होता है। तो वो स्टील का बना होता है दोस्तों, आर्मर स्टील का बना होता है हाई वोल्टेज केबल्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर्स आर मेड ऑफ, कि ट्रांसमिशन लाइन के जो इंसुलेटर्स होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो वो पोर्सलिन के बने होते हैं दोस्तों, किसके, पोर्सलिन के। नेक्स्ट है, द मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर शीथ्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स इज, कि अंडरग्राउंड केबल्स के मटेरियल के जो शीथ होता है वो किस चीज़ का, किस मटेरियल का बना होता है। तो वो लेड का बना होता है दोस्तों, किसका, लेड का। नेक्स्ट है, द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द ग्राउंड एंड ए 220 kV लाइन इज अबाउट, कि मिनिमम क्लियरेंस पूछ रहा है ये किस किस के बीच में, ग्राउंड एंड ए 220 kV लाइन के बीच में। तो वो होता है 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, द स्पेसिंग बिटवीन फेज कंडक्टर्स ऑफ ए 220 kV लाइन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6 मीटर, क्या होता है, 6 मीटर। नेक्स्ट है, लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स आर सप्लाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट, कि जो लार्ज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं उनको सप्लाई जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई वो कितने के वी पर दी जाती है। तो उनको 33 kV पे सप्लाई जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है, ए बूस्टर इज ए, बूस्टर क्या होता है। ऑप्शन ए है आपका राइट आंसर रहेगा, सीरीज वाउंड जनरेटर जो होता है उसको हम बूस्ट जनरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, बूस्ट जनरे सॉरी दोस्तों, बूस्टर कहते हैं सीरीज वाउंड जनरेटर को, क्या कहते हैं, बूस्टर। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट इन फर्स्ट कॉस्ट। अब फर्स्ट कॉस्ट की बात आती है, फर्स्ट कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम इनिशियल कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि शुरुआत में जब हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तब उसकी जो सिस्टम की जो लागत आती है उसको बोला जाता है इनिशियल कॉस्ट या फर्स्ट कॉस्ट। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज सिंपलेस्ट एंड लोवेस्ट, कि कौन सा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो सबसे साधारण और सबसे कम इनिशियल लागत वाला है, कम शुरुआती खर्चे वाला है। तो आपका रेडियल सिस्टम जो है वो राइट आंसर रहेगा, कौन सा, रेडियल सिस्टम। नेक्स्ट है, लो वोल्टेज केबल्स आर मीन्ट फॉर यूज अप टू, लो वोल्टेज केबल्स सॉरी दोस्तों कब तक यूज़ होती है, कहाँ तक यूज़ होती है, 6.6 kV तक के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज केबल्स इज अप टू,
11 kV ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा है हाई वोल्टेज केबल्स के लिए, तो वो होती है 11 kV। द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ सुपर टेंशन केबल्स इज अप टू, अब सुपर टेंशन केबल्स के लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा है तो वो होती है 33 kV यानी कि 33 kV। नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स इज अप टू, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स जो होती है उनके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज पूछा है तो उनके लिए ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 66 kV यानी कि 66 kV। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल्स, अंडरग्राउंड केबल्स को बिछाने के लिए कौन 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 सा मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो तीनों ही मेथड यूज़ किए जाते हैं दोस्तों। फर्स्ट है डायरेक्ट लेइंग, सेकंड है ड्रा इन सिस्टम और थर्ड है सॉलिड सिस्टम। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों मेथड जो है वो डीसी जो अंडरग्राउंड जो केबल मेथड होता है बिछाने का अंडरग्राउंड केबल का, उन सभी में ये तीनों यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजली नॉट द जनरेटिंग वोल्टेज, कि साधारण तौर पर जनरेटिंग वोल्टेज कौन सी नहीं है इनमें से, तो दोस्तों 8.8 kV जो है वो जनरली जनरेटिंग वोल्टेज नहीं है, बाकी 6.6 kV, 11 kV और 13.2 kV जो है वो जनरेटिंग वोल्टेज है। नेक्स्ट है फॉर एन ओवरहेड लाइन द सर्ज इम्पीडेंस इज टेकन एज, कि ओवरहेड लाइन के अंदर सर्ज इम्पीडेंस जो है वो कितना लिया जाता है, तो वो होता है 100 to 200 ohms। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट, प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू कोरोना इज हार्मफुल बिकॉज इट कोरोड्स द मटेरियल, क्या करता है मटेरियल को यानी कि धातु को जंग लगा देता है, पदार्थ को जंग लगा देता है। नेक्स्ट है ए फीडर इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम फीड्स पावर टू, जो फीडर होता है उसका काम क्या होता है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर, वो पावर ट्रांसफर करता है, पावर जो है वो फीड करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, किसको डिस्ट्रीब्यूटर को, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स को। नेक्स्ट है द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन, जो पावर हमने ट्रांसमिट की है वो मैक्सिमम होगी कब होगी, जब, ऑप्शन सी है करेक्ट रहेगा आपका, जब सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्या रहेगी सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहेगी रिसीविंग एंड वोल्टेज से। चलिए नेक्स्ट है ए थ्री फेज फोर वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड ऑन, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम जो होता है वो साधारण तौर पर यूज़ किया जाता है कहाँ पर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थ्री फेज फोर वायर सिस्टम का यूज़ नॉर्मली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स के अंदर कौन सा मटेरियल इनमें से यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, स्टील कोट एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं, गैल्वेनाइज स्टील यूज़ कर सकते हैं या कैडमियम कॉपर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन डी है एनी ऑफ दी अबोव यानी इन तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेकिंग पोर्सलिन इंसुलेटर, पोर्सलिन इंसुलेटर को बनाने के लिए क्या चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होती, तो सिलिका जो है उसका यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है देर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ कोरोना ड्यूरिंग कोरोना जो लॉसिस होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी, उनकी संभावना जो है वो कब बढ़ जाती है, कोरोना लॉसिस होने की संभावना कब बढ़ जाती है, जब ह्यूमिड वेदर होता है यानी कि मौसम जो है वो आर्द्र होता है, गीला होता है, बारिश का मौसम होता है नॉर्मली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेज इज यूज्ड ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, रिले का पूछा है इसने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कौन सी रिले यूज़ किया जाता है, तो वो मोहर रिले जो होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है द स्टील यूज्ड इन स्टील कोल्ड कंडक्टर इज यूजली, द स्टील यूज्ड इन स्टील कोल्ड कंडक्टर इज यूजली माइल्ड स्टील, कौन सा होता है माइल्ड स्टील। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, कि किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है,
तो वो आपका रिंग मेन सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स शुड द लाइन सपोर्ट्स फॉर ट्रांसमिशन लाइन प्रोसेस। तो आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, यानी कि लो कॉस्ट होना चाहिए, सेकंड है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए और लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए और कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रांसमिशन वोल्टेज ऑफ 11 kV इज़ नॉर्मली यूज फॉर डिस्टेंसिस अप टू। ट्रांसमिशन जो वोल्टेज होती है 11 kV की, वो कितने डिस्टेंस तक के लिए यूज़ की जाती है? तो वो 20 to 25 किलोमीटर तक के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस इज़ कंसिडर्ड बेस्ट, कि किस प्रकार की जो रेगुलेशन है वो सबसे बेस्ट कंसिडर की जाती है? तो 2%। नेक्स्ट है, स्किन इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये क्वेश्चन मिसिंग है। नेक्स्ट, ए कंडक्टर ड्यू टू सेग बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक्स द फॉर्म ऑफ, जो कंडक्टर होता है सेग ड्यू टू सेग बिटवीन टू सपोर्ट्स टेक द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में किसकी शेप में ले लेता है? तो वो सेंटेनरी की शेप जो है वो ले लेता है। नेक्स्ट है, इन ACSR कंडक्टर्स द इंसुलेशन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज नो इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड, कि जो ACSR कंडक्टर्स होते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, उनके अंदर इंसुलेशन जो होता है वो इंसुलेशन किन किन के बीच में? एल्यूमिनियम और स्टील कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेशन होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? तो वो नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है, यानी कि उनके बीच कोई इंसुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज़ द लोवेस्ट कॉस्ट, कि किस प्रकार का बस बार सिस्टम जो है वो उसकी कॉस्ट जो लागत जो है वो कम होती है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिंगल बस बार स्कीम जो है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि उसकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम होती है। नेक्स्ट है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ए बस बार इज रेटेड, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ए बस बार इज रेटेड, कि किसके द्वारा एक बस बार की रेटिंग जो है वो की जाती है? तो बस बार की रेटिंग जो है वो करंट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट टाइम करंट के अकॉर्डिंग की जाती है। नेक्स्ट है, सर्किट इज डिसकनेक्टेड बाई आइसोलेटर्स वेन, एक सर्किट जो होता है वो आइसोलेटर के द्वारा डिसकनेक्टेड कर दिया जाता है जब, ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, कब? देयर इज नो करंट इन द लाइन, कि जब लाइन के अंदर कोई भी करंट नहीं होता तो आपका सर्किट जो है वो आइसोलेटर के द्वारा अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट करंट रेटिंग इज नॉट नेसेसरी, कि किस प्रकार के इक्विपमेंट के लिए करंट रेटिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है? तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आइसोलेटर के लिए जो करंट रेटिंग है वो ज़रूरी नहीं होती। नेक्स्ट है, इन ए सबस्टेशन द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज नॉट इंस्टॉल्ड, कि सबस्टेशन के अंदर इनमें से कौन सा जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल नहीं होता? तो एक्साइटर जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं होता, बाकी जो ये जो वोल्ट्रे लिख रखा है ये रॉन्ग है, वोल्टेज आएगा यहाँ पे, वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ये, शंट रिएक्टर होता है, सीरीज कैपेसिटर होता है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है और एक्साइटर नहीं होता। दोस्तों इसने यही पूछा है कि कौन सा इक्विपमेंट जो है वो सब स्टेशन के अंदर नहीं होता, तो एक्साइटर जो वो नहीं होता। नेक्स्ट है, कोरोना यूजुअली अकर्स व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन एयर अराउंड द कंडक्टर एक्सीड, ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, 30 kV मैक्सिमम वैल्यू, 30 kV पर सेंटीमीटर, कितना? 30 kV पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द वोल्टेज ड्रॉप फॉर कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन इज कॉम्पेंसेटेड बाई इंस्टॉलिंग, वोल्टेज ड्रॉप जो होती है कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए वो कॉम्पेंसेटेड की जाती है किसके द्वारा? बाई इंस्टॉलिंग, किसको इंस्टॉल करके? तो सिंक्रोनस मोटर जो आपका राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा? सिंक्रोनस मोटर को इंस्टॉल करके। नेक्स्ट है, द सम ऑफ स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर इज मेड वेयर द कंडक्टर्स आर एनी ऑफ दी अबोव, यानी कि डेड एंडेड और एट इंटरमीडिएट एंकर टॉवर्स। नेक्स्ट है, द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेज इज, कि कोरोना लॉसेज की वजह से करंट जो जनरेट होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है दोस्तों नॉन साइनोसोइडियल होता है, नॉन साइनोसोइडियल।
ऑप्शन बी है साइनोसोइडल, ऑप्शन सी है ट्रायंगल और ऑप्शन डी है स्क्वायर। किस शेप में होता है जो करंट ड्रा होता है कोरोनालिसिस की वजह से? तो ऑप्शन ए है यानी कि नॉन साइनोसोइडल की शेप में होता है करंट। क्वेश्चन नंबर 99 है पिन टाइप इंसुलेटर आर जनरली नॉट यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड, ऑप्शन डी है 33 kV। 33 kV के लिए पिन टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7। एल्यूमिनियम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 2.7। चलिए तो ये थे दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आशा करूँगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चैनल के ऊपर हरियाणा जीके की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, पॉलिटिकल की भी क्लासेस लग रही है, और विशेष व्यक्ति फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो सब देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।